द वर्ल्ड ऑफ जॉयफुल लर्निंग। नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आज हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। तो बच्चों, आज ये हमारी हिंदी की क्लास है और हम पढ़ने वाले हैं सही चित्रों पर गोला लगाइए। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक साइड मैंने अक्षर लिखे हुए हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू और उ से ऊन। और दूसरी साइड में प्रत्येक अक्षरों के लिए तीन तीन पिक्चर्स बने हुए हैं, है ना। अब बच्चों, आपको सही चित्र पहचान कर उन अक्षरों के लिए सही चित्र पर गोला लगाना है। बच्चों, आपको याद है कि हमने अपने लास्ट क्लास में अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, यहाँ तक री से ऋषि पढ़ना और लिखना सीख चुके हैं, है ना, उनके स्वर गीतों के साथ। तो आज हम उसी को लेकर एक एक्सरसाइज करेंगे कि सही चित्रों पर गोला लगाइए। प्रत्येक अक्षरों के लिए कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, उन पिक्चर्स में से सही चित्र की पहचान कर आपको उस पिक्चर पर गोला करना है। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हम सब मिलकर एक बहुत ही सुंदर कविता गाएंगे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारा रो रहे थे, बैंगन ने लात मारा रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। तो बच्चों, चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सकी, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, यह है अ से अनार। तो बच्चों, आप पहचानिए कि इन तीनों में से अ से अनार का पिक्चर कौन सा है और कहां पर है। यह है आ से आम, यह है इसे इमली, तो ये है अ से अनार का पिक्चर। तो हम अ से अनार पर एक गोला करेंगे, जैसे कि ये हुआ ना। अब देखिए, दूसरा अक्षर है आ से आम। आ से आम के लिए भी यहाँ पर तीन तीन चित्र बने हुए हैं। तो देखिए, आ से आम, आ से आलू या आ से आग भी तो होता है, उसका पिक्चर कहाँ है। यह है उसे ऊन, यह है इसे इमरती। तो आ से आलू का पिक्चर है कहाँ, यस, इन दोनों के बीच में। तो हम आ से आलू पर बड़ा सा गोला करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तीसरा अक्षर है ई से इमली। ई से इमली के लिए भी यहाँ पर तीन चित्र बने हुए हैं, ई से इमली, अ से अमरूद और आ से आम। अब आप देखिए, कौन सा चित्र ई से इमली का है। हाँ, हम सब जानते हैं ई से इमली का चित्र है सबसे पहले, तो हमने ई पर बड़ा सा गोला लगा दिया, है ना। अब लास्ट में बच्चों, इसे एक, इसे एक, इसे एक कहाँ है, इसे एक या इसे ईंट, उसे ऊन, आ से आम का पिक्चर भी है यहाँ पर और अंत में है ई से ईंट, जिसका उपयोग
घर बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए ईंट से ईंट पर बड़ा सा गोला लगाते हैं। कैसे? ऐसे। हुआ ना? इसे ईंट। आप बताइए यह कौन सा अक्षर है? ओ से उल्लू। ओ से उल्लू की पहचान रात में देखे दिन के समान। उसे उल्लू के लिए कौन सा पिक्चर बना हुआ है? ओ से उपहार, अ से अनार और ई से इमली। अब बताइए उसे उल्लू के लिए कौन सा चित्र है यहाँ पर? वेरी गुड, उसे उपहार। तो हम उपहार में बड़ा सा गोला कर देते हैं। अब बच्चों अंतिम अक्षर है उसे ऊन। उसे ऊन। उसे ऊन भेड़ की देन सर्दी में देती सुख और चैन। यह है ऐसे ऐनक। यह है आ से आलू और ऊन का चित्र है इन दोनों के बीच में। तो हम उसे ऊन पर बड़ा सा गोला करते हैं। देखिए हमने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों ऐसे ही अ से केवल अनार नहीं होता, अ से अदरक, अचकन, अमरूद भी होता है। उसी तरह प्रत्येक अक्षर के लिए अनेकों शब्द हैं, जैसे कि ई से न केवल इमली बल्कि इमलती या इलायची भी होता है। तो आप इन अक्षरों को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को अपने घरों पर कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।